हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा, एंड आज हमारी सवारी है बनेली की DRK 502। सिक्स स्पीड का जो गियर बॉक्स दिया गया है वो भी प्रिसाइज है, इजी टू हैंडल है, इजी टू राइड है। इस साइज की बाइक आपको इतनी सस्ती और कोई देखने को नहीं मिलेगी। नया बेस 6 कंप्लाइंट इंजन बनेली ने इसमें दिया है और थोड़े बहुत कुछ और बदलाव भी इसमें किए हैं। क्या है वो बदलाव, वो हम आपको बताएंगे, एंड साथ ही साथ परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसु और 3 नॉट सो धांसु एलिमेंट अबाउट द बनेली TRK 502। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। बिफोर टेलिंग यू कि चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, थोड़ा इसके डिज़ाइन और क्या बदलाव इसमें हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट में यू विल गेट टू सी दिस मस्कुलर बोल्ड फील, यहाँ पर वो बीक नुमा शेप, शायद आपको डुकाटी की याद आए तो वैसा कुछ शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बड़ी सी यानी कि बहुत बड़ी विंड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। एंड एक आध बार शायद आपके ड्राइविंग में दिक्कत करे अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो। इसके अलावा यहाँ पर आप साइड में देखेंगे ये मस्कुलर काउल्स शोल्डर्स आपके इसको देखने को मिलेंगे साइड में टैंक के। एंड वो टैंक का जो फील है, 20 लीटर्स कैपेसिटी है इस फ्यूल टैंक की, एंड वो टैंक का फील आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी ब्रॉड और मस्कुलर इसमें आपको देखने को मिलेगा बनेली TRK 502 में। एंड सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं इसमें, एंड रियर में आपको मोनोशॉक दिया गया है विथ प्री लोड एडजस्टर ब्रेकिंग। फ्रंट में आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, एंड रियर में आपको सिंगल डिस्क दिया गया है जिसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 17 इंच 120 सेक्शन का टायर है, एंड रियर में 17 इंच का ही 160 सेक्शन का टायर दिया गया है। एंड इसमें जो टायर्स दिए गए हैं वो मेनली रोड ओरिएंटेड हैं। 502X जो वर्जन है इसका, उसमें आपको टायर्स थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे, थोड़े नॉबी टायर्स हैं, एंड उसमें आपको स्पोक व्हील्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब जो बदलाव इसमें हुए हैं थोड़ा बहुत वो आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है, हालांकि इसका डिज़ाइन वगैरह सब सेम है, यहाँ पे MID दिया गया है, देन देयर इज एनालॉग टैकोमीटर। इसमें आपको अब एक जो नया एडिशन देखने को मिलेगा कि ये बैकलिट अब दिया गया है, धूप में भी इतना विजिबल ना हो, बट दिस इज बैकलिट बोथ दीज स्क्रीन्स। एंड यहाँ पर जो आपको ये बटन्स दिए गए हैं दोनों साइड, ये भी अब बैकलिट कर दिए गए हैं। तो ये दो कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत सीट कंफर्ट में भी इसका बदलाव करा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्विंग आर्म में भी थोड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिससे इसकी राइड थोड़ी कंफर्टेबल और बेटर पहले से फील आपको होगी। सो दैट इज व्हाट बनेली इज क्लेमिंग। इसके अलावा इंजन में आपको कवर देखने को मिलेगा, वो एक नया एडिशन है इसमें, एंड देयर इज आल्सो दिस USB चार्जिंग पॉइंट जो यहां पर आपको दिया गया है इसके टैंक के साइड में। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम एज बिफोर, जो BS4 वर्जन था उसके हिसाब से ही सेम आपको डिज़ाइन वगैरह सब बाकी सब इसमें देखने को मिलेगा। अब ये थोड़े बहुत बदलाव इस नई बनेली TRK 502 के BS6 वर्जन में किए गए हैं, लेकिन इसके जो इंजन के नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एंड विद द वेट ऑफ 235 kg, क्या परफॉर्मेंस BS6 इंजन होने के बाद बेटर थोड़ा फील होता है या नहीं, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। तो बात करते हैं इस बनेली TRK 502 का जो BS6 वर्जन आया है इसके परफॉर्मेंस की। इंजन की बात करें तो इसमें 499cc का ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 47 BHP की पावर एंड 46 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें इस इंजन में, शुरुआत में यस, इसका साउंड नोट आपको निराश नहीं करेगा, दैट इज रियली इंप्रेसिव शुरुआत में जब बाइक को स्टार्ट करेंगे, बट जब आप धीरे धीरे बाइक को चलाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा लेड बैक सा महसूस होगा। जितना पावर आप इस साइज की बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो पावर डिलीवरी आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा आप तेज रफ्तार पे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पर आपको लगेगा कि ये इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से इस बाइक में
कोई एक्सपेक्ट करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, लो एंड मिड रेंज बाइक में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अराउंड 5500 आरपीएम के आसपास तक ये बाइक अच्छे से खींचती है, वहां पर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। बट यस, वो पावर वाला जो आप फैक्टर अगर इस बाइक के इंजन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको इस बनेरी TRK 502 के इस 499cc इंजन में देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा इसमें 6-speed का जो गियरबॉक्स दिया गया है वो भी प्रिसाइज है, उसकी स्लॉटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फॉल्स गियर वाले इशू आपको इसके गियरबॉक्स 6-speed के गियरबॉक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आप जब इस बाइक को थोड़ा तेज रेव करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वाइब्रेशंस होनी फील शुरू हो जाती हैं फ्यूल टैंक में, हैंडल बार में और फुट पेग्स में, एंड दैट विल रियली बॉदर यू अगर आप लंबे सफर पर इस बाइक को ले जाने का प्लान बना रहे हैं या लेने के बाद इसको लंबे सफर पर ले जाना चाहते हैं। सिटी के हिसाब से मैं बात करूं, वहां पर राइड में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ऑल्दो इसका वेट अराउंड 235 kg का है, जबकि इसके जो कंपेटिटर्स हैं अगर बात करें होंडा की CB500X के बारे में तो उसका वेट इससे कम है, एंड परफॉर्मेंस भी आपको उसके इंजन का इसके इंजन से बेहतर देखने को मिलता है। इजी टू हैंडल है, इजी टू राइड है, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। तो लंबी जर्नी पर भी अगर आप इस बाइक को ले जाना चाहते हैं तो कंफर्ट के हिसाब से और राइड क्वालिटी के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इंजन में पावर की कमी बट फिर भी आपको महसूस ज़रूर होगी। देन ब्रेकिंग के हिसाब से ड्यूअल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिलता है, देन ब्रेकिंग की बाइट एप्ट है, प्रिसाइज है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन सेटअप इसकी राइड क्वालिटी में एक और एडिशन है जो कि आपको एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, चाहे स्पीड ब्रेकर्स हों, गहरे गड्ढे हों, वहाँ पर वो उनको काफ़ी ईजिली काफ़ी कम्फर्टेबली एब्जॉर्ब जरूर कर देता है और वो आपकी राइड एक्सपीरियंस को इस बनेली TRK 502 में एनहेंस जरूर करता है इसका सस्पेंशन सेटअप। अब ज़्यादा वेट होने के बावजूद, इंजन उतना पावरफुल ना होने के बावजूद, इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेली TRK 502 का अभी भी है वो है इसका प्राइस पॉइंट। अंडर 5 lakh ये बाइक आपको पड़ती है, बट हाल ही में बनेली ने इसके थोड़े प्राइस भी इंक्रीज किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक आपको देखने को मिलेगी, जो इस तरह के पैकेज, इस तरह के डिज़ाइन और इस तरह की स्टाइलिंग के साथ आपको बनेली ऑफर कर रही है TRK 502 के बदले। अब बारी है 3 धासु और 3 नॉट्स धासु एलिमेंट की। पहले बात करते हैं 3 नॉट्स धासु एलिमेंट इसके बारे में मुझे क्या लगे। तो पहला है इसका वेट, 235 किलो, 235 kg इसका वेट है, जो आपको फील होगा इसकी राइड के दौरान। स्पेशली ये टैंक जो इसका फ्रंट हैंड है, यहाँ पे इसका ज़्यादा वेट आपको देखने को मिलेगा इसकी राइड के दौरान। हालांकि राइड में उतनी दिक्कत नहीं है आपको, उतना वेट मे भी कभी कभी फील ना हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स यू विल फील the weight that this bike has. And the second not so element about this TRK 502 is the vibrations that you feel iske tank mein, handlebar mein, foot pegs mein, jab ye bike thoda aap tez raftaar pe le jaane ki koshish karte hain, around main kahun tez raftaar ka matlab mera hai 90-100 ke aas paas, to wahan par aapko vibrations feel honi shuru ho jati hain, jo mujhe lagta hai ek negative hai is 502 ke liye. And the third and final not so element is the engine performance. It will not live up to your expectations. अगर आप बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको इस इंजन से थोड़ी निराशा ज़रूर होगी। अब 3 धासु एलिमेंट जो मुझे लगे इस TRK 502 के बारे में, तो उसमें से पहला है इसका कंफर्ट, सीट कंफर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप लंबी राइड्स के लिए इस बाइक को लेना चाहते हैं तो कंफर्ट के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देन द सेकेंड इज द राइड क्वालिटी, रोड्स पर काफ़ी सट के काफ़ी अच्छा आपको राइडिंग एक्सपीरियंस इस TRK 502 में देखने को मिलेगा। एंड फाइनल थासु एलिमेंट अबाउट दिस TRK 502 इज ये एक जिस पैकेज में आपको मिलती है कि 5 lakh के अंदर के ब्रैकेट में ये बाइक आपको बनेली ऑफर कर रही है, एंड इस साइज़ की बाइक आपको इतनी सस्ती और कोई देखने को नहीं मिलेगी, जिससे ये सबसे सस्ती बाइक बन जाती है अपने सेगमेंट में। सो दैट इज़ दी थर्ड एंड फाइनल थासु पॉइंट। तो अगर आप इंजन परफॉर्मेंस और वेट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है एंड एक अच्छी राइड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह की बाइक से, देन बनेली TRK इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप इंजन परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, देन आपको दूसरे ऑप्शंस जो कि थोड़े महंगे हैं इस बनेली TRK 502 से, उनकी तरफ जाना आपके लिए सही होगा।